जबलपुर क्राइम ब्रांच व थाना सिविल लाइन की संयुक्त कार्रवाई के बाद एक युवक को 73 ग्राम स्मैक कीमत 7.5 लाख सहित गिरफ्तार किया गया है, जहां पकड़े गए आरोपी को लेकर कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि क्राइम ब्रांच व सिविल के संयुक्त कार्रवाई में स्मैक तस्कर पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। पकड़ा गया युवक राजेंद्र साहू उर्फ गुड्डू धमापुर थाना क्षेत्र मरघटाई का है, तो वहीं गिरफ्तार किए गए युवक से संघन पूछताछ के बाद की गई, जिसमें उसने बताया कि उसके द्वारा राजस्थान से किसी गांव से उक्त मादक पदार्थ स्मैक तस्करी कर जबलपुर में बेचने के लिए लाया गया था। अभियान जबलपुर पुलिस द्वारा छेड़ा गया है, उसमें एक अहम कार्रवाई क्राइम ब्रांच एवं सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई है। क्राइम ब्रांच की मुखबिरी पे क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई उसमें है, जिसमें एक राजेंद्र और बुद्धू साहू जो कि मरघटाई धमापुर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे करीबन 75 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है वो इससे जब्त हुई है और इसको गिरफ्तार किया गया है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए क्राइम ब्रांच और हमारी सिविल लाइन पुलिस बधाई की बात है और उनको नकद पुरस्कार दिया जाए। कहाँ से लेकर आए थे कुछ पता है? अभी तक जो पता चला है इसका लिंक राजस्थान के किसी गाँव का ये बता रहा है, वहाँ से ये लेन देन बताया, लेकिन अभी ये इसको और वेरीफाई भी करना है और कोई साथ में इसके नहीं, अब नहीं बता रहा है।